हाय दोस्तों, आज मैं आपके सामने पनीर स्टफ्ड साबूदाना अप्पे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और व्रत के खाने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग फास्टिंग रखते हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्दी होता है और एनर्जी भरा भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ मूँगफली मैंने लिया है, उसे अच्छे से मैं भून लेती हूँ। इसे गैस का आँच हमें मीडियम रखना है ताकि ये जल ना जाए, और आप धीरे धीरे इसे भून लें। और फ्राई करने के बाद आप साइड कर लिए। और अब यहाँ जाएगा, मैंने लिया है पनीर। ये मेरे पास घर की पनीर थी, मैंने पहले से बना के रखा था, इसे मैस कर लिया मैंने। अब जाएगा बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, ताकि इसमें थोड़ा तीखापन आ जाए, और थोड़ा जाएगा गुलकी का पाउडर और थोड़ा सा नमक। और अब इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब यहाँ पे मैंने साबूदाना को रात भर मैंने सूख करके रखा था। ये देखिए कैसे बड़े बड़े हो गए हैं साबूदाना, और खिली खिली साबूदाना सूख करने के बाद ना साबूदाना के अप्पे और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मैंने साबूदाना को अच्छे से धो लिया था, तब मैंने सूख करने दिया था, क्योंकि साबूदाना को अगर आप नहीं धोगे ना, तो स्टार्च की मात्रा साबूदाना में बहुत ज़्यादा होती है, वो निकलेगी नहीं। और यहाँ मैंने 2 से 3 उबले हुए आलू लिए हैं। साबूदाना अप्पे में ना उबले हुए आलू डालने से अच्छा बॉन्डिंग बनता है। और यहाँ पे रोस्टेड जो मैंने रोस्ट करके पीनट रखा था ना, उसको हल्का ग्राइंड करके मैंने डाल दिया, और नमक स्वाद अनुसार, और जीरा, और ब्लैक पेपर का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची, बस इन सारी चीज़। और यहाँ पे जो मैंने नमक यूज़ किया ना, वो मैंने रॉक सॉल्ट यूज़ किया है। रॉक सॉल्ट हमेशा आप फास्टिंग के समय में खा सकते हैं। नॉर्मल नमक इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल नमक फास्टिंग खाने में खाने के लिए नहीं होता है, जिसे सिन्हा नमक हिंदी में बोलते हैं। तो और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मिलाते जाना है, ताकि इसका एक अच्छा बॉन्ड बन जाए। ये देखिए किस तरह से मैंने मिला रहा हूँ इस और अब इसमें थोड़ा सा अब हम रेड मिर्ची ऐड कर देंगे। रेड मिर्ची डालने के बाद ना थोड़ा सा इसमें हल्का कलर आ जाएगा, और थोड़ा तीखापन और बन जाएगा, ताकि आपका जो ये फास्टिंग वाला खाना है थोड़ा चटपटा बन सके। ये साबूदाना जो होता है ना, वो काफ़ी हेल्दी होता है व्रत के समय में। और ये अब मैं ना हमेशा काफ़ी मेहनत करती हूँ अपनी वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह से गोल गोल करके हमें पनीर को डाल के स्टफ्ड करना है, और फिर से वापस पहले आप हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेना, फिर आपको ये साबूदाना का बॉल लेना है और उसमें स्टफ्ड करना है। इससे क्या होगा ना, ये आपके हाथों में चिपकेगी नहीं, और अच्छे से ये गोल गोल हो जाएगा। अच्छा आप सेब आप दे सकते हैं इस तरीके से, और इसी तरीके से आपको सारे साबूदाना के अप्पे बनाने हैं। इसी तरीके से आपको स्टफ्ड करते जाना है, और ये देखिए ऐसे ही स्टफ्ड करते जाना है, और दोनों हाथों से लगातार हमें गोल करना है, और हाथों में पानी लगा होना चाहिए। ये आप ऐसे ही बना लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अप्पम स्टैंड लिया है। यहाँ पे अप्पम स्टैंड को अच्छे से हम गर्म कर लेते हैं तेल डाल के, ताकि साबूदाना का जो अप्पे है ना, वो इसमें चिपके नहीं, और इसे हम अच्छे हल्के हाथों से मिला लेते हैं, ताकि चारों ओर से तेल लग जाए। और अब हम मीडियम आँच में इसे रख देते हैं और पकाएंगे मीडियम आँच में। 2 से 3 मिनट आपको पकाना है, और गैस का आँच हमें मीडियम ही रखना है, ताकि ये अप्पे जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और आप इसे ढक दीजिए 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे जो ग्राउंड नट मैंने रखा था ना, वो फिर से मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि इसकी चटनी हम बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नारियल ऐड कर देते हैं, ताकि इसका एक अच्छा टेस्ट आए। और 2-3 हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दिए, और थोड़ा सा इसमें आप जीरा डाल दीजिए, जीरा अच्छा टेस्ट आता है, और नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे इसका अच्छा ग्राइंड कर लेते हैं और चटनी बना लेते हैं। ये मेरी ये देखिए ये मेरी चटनी तैयार हो गई है। तो और अब हम यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे अप्पा मेरा एक साइड पक चुका है, तो अब हम दूसरे साइड भी इसी तरीके से पलट पलट के हमें पकाना है, ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए। ये देखिए पूरी तरीके से, ये अभी भी नहीं पका है, तो अभी भी हम थोड़ी देर पका लेते हैं इसे। इसे एकदम अब हम यहाँ पे ना थोड़ा चटनी का तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड नट ऑयल यूज़ किया है, जो आप फास्टिंग में खा सकते हैं। यहाँ जीरा राई ऐड कर दिया, और इसमें थोड़े कड़ी पत्ते ऐड कर दिए, और अब हम इसका तड़का लगाते हैं।
तो इसका तड़का लगा लेते हैं ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए चटनी का। ये देखिए आपको लग भी रहा होगा ये टेस्टी है। तो आप भी ना इसके साथ ना अप्पम के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आइए आप इसे सर्व कर लीजिए। और अगर आपको फास्टिंग की और भी रेसिपी चाहिए ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो मैं आपके सामने और भी रेसिपी लेके आऊँगी जो फास्टिंग के लिए हो और अदर भी हो। और आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं, ये ऐसे भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, इसे कितने अच्छे पनीर दिख रहे हैं और टेस्टी टेस्टी बहुत ही यम्मी सा दिख रहा है। तो आप इसे ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। तो लीजिए मैं खा के आपको बताती हूँ, रियली बहुत ही टेस्टी है। आप देख रहे होंगे मेरा फेस तो एकदम, आपको फेस के एक्सप्रेशन से ही लग रहा है कि कितना अच्छा बना है। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।